हरे कृष्णा, ये देखिए हमारा चूल्हा टूट गया है। बरसात हुई थी तो थोड़ा बहुत है ना भीग गया था हल्का सा, फिर बच्चों ने थपने के चक्कर में इधर उधर रख दिया तो ये टूट गया। अब हम दूसरा चूल्हा बनाएंगे। तो दूसरा चूल्हा बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? मिट्टी। मिट्टी पीछे पीछे से हमारी मिट्टी सही रहती है, पकती नहीं है। तो हमने इसमें सारी मिट्टी निकाल ली है और ये रह गया है। इसमें से अब हम पीछे पीछे की सारी मिट्टी निकाल लेंगे। ये देखिए ये पीछे की मिट्टी जो हमारे काम आ जाती है, तो हम इसको हटा देंगे। हमने ऊपर सीमेंट का घोल कर रखा था, इसको भी हटा देंगे हम। और देखिए हमने इतनी मिट्टी निकाल ली है पीछे इस वाले में से, तो हम इसमें से भी सारी मिट्टी निकाल लेंगे। मिट्टी हमारे को मिलती नहीं है, बहुत ढूंढने से मिलती है। सिटी में तो मिट्टी नहीं मिलती है, गाँव में तो बहुत मिल जाती है, लेकिन कम पड़ेगी। तो हमने क्या करा, जो गमले है ना, गमले में से मिट्टी लेके और हमने इस भिगोने में भिगो दी है। और भिगो के हमने पानी से निकाल लिए ऐसे, इस तरीके से डाल के इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद चिकनी चिकनी मिट्टी ऊपर आ जाएगी और बजरी बजरी सी होती है वो नीचे चली जाएगी। तो ये हमने इधर निकाल ली है, ये देखिए इतनी मिट्टी हमने निकाल ली है इसमें से। तो हम इसको मटकी को तोड़ेंगे यहाँ से। बनाने के लिए हमारे को क्या क्या चाहिए? गोबर, कंडा हो तो कंडे को गीला कर लो, उसको भी है ना चूरा चूरा करके हमने ये इसमें डाल दिया है। कंडा है ये, छाना भी बोलते हैं इसको, कंडा भी बोलते हैं। तो ये देखिए हमने गला दिया था इसको, इसमें डालेंगे। और गोबर का हाँ उबला भी बोलते हैं, जो साबुत रख देते हैं उसको उबला बोलते हैं। और ये देखिए ये गोबर है, इसको भी इसमें डाल देंगे और ये गोबर भी इसमें डाल देंगे। ये है हमारी मिट्टी जो हमने गमले में से निकाली है, चिकनी चिकनी मिट्टी है। और ये प्योर चिकनी मिट्टी है जो हमने बाजार से मंगाई है पैसों से। और ये ऐसी पक्की है, ये आपकी टूटेगी भी नहीं, भाटे जैसी है। इसमें गोबर मिलाओ कुछ भी मिलाओ, इसको भी हम गला लेंगे मिट्टी को भी। मटकी के चूल्हे के ऊपर मिट्टी लगा ली थोड़ी थोड़ी, यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे करके। और ये हमने इस तरीके से चिपका लिया, ये ढक्कन लगा के इस तरीके से, उस तरीके से चिपका लिया। तो हम बनाएंगे इस वाली को, तो हमको थोड़ी मिट्टी लगानी पड़ेगी यहाँ पर। एक और लगाएंगे हम इसमें, इस तरीके से। थोड़ी सी मिट्टी लगाएंगे यहाँ पे, और चाहे तो आप चूरा भी भर सकते हो।
आपका चूल्हा भारी नहीं होगा, हल्का रहेगा। तो चूल्हा बनाने के लिए हमने मिट्टी तैयार कर ली है, इसमें हमने गोबर छाने कंडे फोड़ के डाले हैं। अगर आप कोरी मिट्टी का चूल्हा बनाते हो तो आपका चूल्हा फट जाएगा और हल्का भी नहीं होगा, भारी भी बहुत हो जाएगा। तो हमने सब मिक्स कर लिया इसमें अच्छे से, और इसको जितना आप अच्छे से करोगे ना तो इतना ही चूल्हा आपका मजबूत बनेगा। देखिए हमारी मिट्टी गीली है अभी, और इस पर ज़्यादा रखेंगे तो हमारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। थोड़ी सी हम धूप लगाएंगे फिर इसमें मिट्टी और लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये लगाना है, इसमें आपकी राख बाहर नहीं निकलेगी। आप चाहे तो कड़क मिट्टी लेके एक दिन में भी बना सको, एक दिन में ही हो जाएगा पूरा ये। अब इस देखिए थोड़ी देर बाद थोड़ा सा फरेरा होगा धूप में, तो और मिट्टी लगाएंगे इसके अंदर, सूखता जाएगा हमारा चूल्हा मिट्टी, और हम इस पर और मिट्टी लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से आप चूल्हा बना सकते हो मिट्टी का, घूमते घूमता घूमने वाला चूल्हा। ये चाहे कहीं भी ले जा सकते हो आप इसको। ये वाला मेरा चूल्हा 10 साल चल गया, अब 10 साल बच्चों ने तोड़ दिया ये तो नहीं, तो अभी भी मेरा चूल्हा ये टूटता नहीं। हमारा चूल्हा हमने एक बार मिट्टी लगाई थी इसके, और अब हम दोबारा मिट्टी लगाएंगे इसके। तो हमारी मिट्टी भी है ना सूख चुकी है। ये देखिए थोड़ी सी मिट्टी लगाएंगे गीली गीली, जिससे हमारी दूसरी मिट्टी चिपक जावे, और वैसे भी गीले पर तो चिपक जाता है। चाहे तो आप अभी पूरा कर सकते हैं इसको पूरा, लेकिन जो फिनिशिंग आएगी वो है ना अपन को है ना आखिरी में आएगी, जब ये हमारा एक बार और सूख जाएगा, जब हमारी फिनिशिंग आएगी। तो इसी तरीके से हम पूरे चूल्हे को एकदम तैयार करेंगे, एक बार और लगाएंगे, थोड़ा सा फरेरा हो जाएगा, 3 बार मिट्टी में आपका चूल्हा तैयार हो जाता लगाते लगाते। देखिए थोड़ा सा हम इस तरीके से लगाएंगे जिससे हमारे ये कोने बैठ जावे और गोल हो जावे इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा मुंह चौड़ा नहीं होना ज़्यादा, इसलिए ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कहीं भी उठा के घूम सकते हो आप इस चूल्हे को, बस सूखने के बाद। अभी नहीं, अभी घूमोगे तो आपकी मटकी टूट जाएगी नीचे से, क्योंकि गीले से मटकी तो गलती है। और जब भी मटकी ले में तो आप पक्की वाली मटकी ले में, जो आपकी मटकी टूटे नहीं। और फिर चूल्हा जलाओगे ना जब ऐसी पक जाएगी आपकी मिट्टी चूल्हा, ये मटकी भी पक जाएगी ऐसी बढ़िया हो जाएगी। आप 10 साल का 20 साल भी अगर एक जगह रख के बनाओगे ना तो अभी नहीं टूटेगी चूल्हा, नहीं टूटेगा। और अगर आप घुमाओगे जो उससे पटकोगे तो आपका चूल्हा टूटेगा ही। तो इसी तरीके से हम इसको लगा लिया, और अब इसको हम थोड़ा सा चिकना करेंगे। तो इस तरीके से हम चिकना करेंगे इसको। ये देखिए बाद में हमारी मिट्टी सूख जाएगी तो हमको ज्यादा मिट्टी लगानी पड़ेगी, इसलिए। और इस तरीके से हम सारा चिकना कर लेंगे चूल्हे को एकदम बढ़िया।
रहेगी। अब अंदर से चिकना करूंगी, मैंने बाहर से चिकना कर लिया। देखिए इस भगोनी को हम इसमें रखेंगे और इस तरीके से इसको गोल करेंगे। ये देखिए हमारे को अगर इस भगोनी को नहीं चढ़ाने, हम कढ़ाई बड़े भगोने ये हम चढ़ाएंगे। ये देखिए ये गोल हो गया। और चाहे तो आप इसमें नीचे कील भी लगा सकते हो बीच में, पर कील वाला चूल्हा जल्दी टूट जाता है, तो लकड़ी लगाते जोर लगता है, कील निकल जाती है। तो हम ऐसे बनाएंगे गोल करके इसको। और हमारे यहाँ से जो थोड़ी सी मिट्टी लगाएंगे हम इसके इस तरीके से, बस। अब हम भगोनी को इसी पर रख कर रख लेंगे, थोड़ी देर बाद निकालेंगे। जैसे ही हमारी मिट्टी सख्त हो जाएगी ना थोड़ी सी, फिर हम निकाल लेंगे इसकी। तो देखिए हमारे 2 घंटे हो गए, वापस मिट्टी लगाएंगे हम इसके इस तरीके से। थोड़ी सी लगानी है अब हमारे को, ज़्यादा नहीं लगानी है हमारे को। और देखिए आप कितना ऊंचा करना चाहो, देखिए इससे ज़्यादा ऊंचा तो फिर कितना ऊंचा करोगे। ये देखिए इससे ऊंचा नहीं हो सकता है। अब हम वापस भगोनी को रख देंगे इसमें, बस। अब ये सूखने के बाद हम आपको फोटो दिखाएंगे इसकी। राधे राधे हरे कृष्णा राजस्थानी तीज त्यौहार में देखिए हमारा चूल्हा बनके तैयार है। और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में, 4 घंटे में। अगर दिन में धूप पड़े ना तेज की, तो आप 4 घंटे में चूल्हा बना सकते हैं। और ये देखिए चूल्हा, ये देखिए